वाईएनटी न्यूज़, आप देख रहे हैं वाईएनटी नेटवर्क, नई सोच नई खबर के साथ। कोरोना महामारी को बढ़ता हुआ देखकर महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में होली सहित कई त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मरीजों में अचानक उछाल आया है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार हरकत में आ गई है। इसी कड़ी में जुड़ते हुए मीरा भयंदर पुलिस आयुक्तालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत अगर होली और शबे बारात के दिन लोग एक जगह पर जमावड़ा लगाकर खड़े हुए नजर आए तो उन पर कानूनी धारा 144 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यही नहीं, होलिका दहन पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। मनपा ने भी कोरोना की लहर को देखते हुए जनता से मास्क लगाने और कोरोना से संबंधित गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आइए जानते हैं त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी। पहले सप्ताह में कुछ सन उत्सव आने वाले हैं, जैसा कि होली है, धुलिवंदन है, गुड फ्राइडे है, शबे बारात है और साथ ही साथ शिव जयंती भी है। इन सभी जो सन उत्सव है वो बहुत धूमधाम से और सार्वजनिक स्वरूप से मनाए जाने वाले उत्सव है। मगर पिछले एक साल से जो कोरोना बीमारी का एक आतंक फैला हुआ है हमारे देश में, और परिस्थिति काबू में आ ही रही थी कि पिछले कुछ दिनों से वापस से कोरोना के कोविड-19 के केसेस बढ़ना शुरू हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र शासन और स्थानिक प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के कुछ गाइडलाइंस जारी हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उस गाइडलाइन का पालन करते हुए ही हमें इस सन और उत्सव को मनाना है। जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे जो महानगर पालिके का अभी जो आदेश निकला है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे जो रेसिडेंट लोग रहते हैं, सोसाइटी के सभी लोग होली और धुलिवंदन सोसाइटी के सभी लोग एकत्रित आकर वो मनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ सभी सोसाइटी के लोग सोसाइटी के हॉल में या फिर सोसाइटी के नीचे के जो खुली जगह रहती है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो उसके ऊपर पाबंदी है। सोसाइटी के अंदर जमा होकर ऐसा जो होली और धुलिवंदन मनाने पर पाबंदी है। साथ ही साथ हमारे मीरा भाईंदर वसेवीरार पुलिस आयुक्तालय के हमारे जो माननीय पुलिस उपायुक्त है विजयकांत सागर सर ने भी एक 144 सीआरपीसी 1441 का एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सार्वजनिक जगह पर लकड़ी जलाना और उधर इकट्ठा होना, साथ ही साथ जो रास्ते पर पैदल लोग जाते हैं उनके ऊपर फुगे या फिर कलर का पानी फेंकना और अश्लील और गालियां देना, गंदी गालियां देना, इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। क्योंकि यह सभी कारण है जिसके परिणाम स्वरूप कायदा व सुव्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न निर्माण हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से बार हमने देखा है कि गुब्बारे फेंकने के बाद झगड़े भी हुए और बहुत से बार गलती से गुब्बारे बुजुर्ग आदमी को लग जाता है या फिर लेडीज़ लोग को भी लग जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी सेहत के ऊपर बहुत परिणाम होता है। तो ऐसा कोई भी सोसाइटी के रहवासी इस तरह की हरकत ना करे और पुलिस प्रशासन को सहकारी करे। सर, जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी, कोई गुनाह दाखिल होगा? बराबर है, हमारी इस आने वाले सन उत्सव के अनुषंग से बंदोबस्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाने वाली है। अगर ऐसे जिन जिन चीज़ों पर महाराष्ट्र शासन तथा स्थानिक प्रशासन, हमारी महानगर पालिका और हमारा पुलिस प्रशासन के जो जो गाइडलाइंस निकले उनका उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी,
मैं सभी आपके माध्यम से सभी हमारे शहर के नागरिकों का आह्वान करता हूँ कि आपसे इन मार्गदर्शक सूचनाओं का उल्लंघन ना हुए, ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो होगी होगी, मगर सबसे अहम बात जो है, आप इस तरह से इकट्ठा होकर भीड़ जमा कर कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि दो अलग अलग नए जो ट्रेंड्स है वो कोरोना के सामने आए हैं। साउथ अफ्रीका का एक है और दूसरा यूके का है, और दोनों ही बहुत गंभीर परिणाम जो भी पेशेंट है उनके ऊपर कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ आपके आजू बाजू में अगर कोई असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि वो कोरोना फैला रहा है। इसलिए मैं आपको एक बार हमारे पुलिस प्रशासन से और से आह्वान करता हूँ कि भीड़ इकट्ठा ना करें, सैनिटाइज़र, मास्क और हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खुद को कोरोना से सुरक्षित करें।